कहूंगा कि इस प्रयोग को न दोहराए। इसी श्रृंखला में गुरुजी हमारे एक और दर्शक हैं जो कि मद्रास से चेन्नई से हैं, कहा कि हम एक बाबा जी के पास गए और उन्होंने जाकर देखा, उनके ऊपर से थोड़ी देर बातचीत करी और उन्होंने कहा कि तुम यहाँ रुको, तुम्हें मैं एक चीज़ दिखाता हूँ कि तुम्हारी देवी प्रसन्न है या नहीं है। उन्होंने एक नारियल लिया और उसका उतारा पूरे परिवार के ऊपर से किया और उस नारियल को इस तरीके से कुछ किया कि आप फोड़ा उसमें, उन्होंने कहा कि फोड़ा उसको कि उसमें से फूल निकली, वो चीज़। मनोज जी, मैं आपके उस दर्शक के सवाल का जवाब दूंगा और बताऊंगा कि वो कैसे नारियल में से फूल और खुशबू निकल रही थी। तो चमत्कार को मैं आपके सामने बताने जा रहा हूँ मनोज जी। लीजिए मनोज जी नारियल, नारियल है मनोज जी। जी बिल्कुल नारियल है। अब मैं आपको बताऊं कि वो चमत्कार कैसे किया। मनोज जी, मैं उसकी पूजा करता हूँ। अब मैं इसे आपके ऊपर ही उतार देता हूँ मनोज जी। चलिए मैं आपके ऊपर से उतारता हूँ। इसकी प्रक्रिया होती है वो काफी लंबी होती है, उतारा किया जाता है काफी देर तक ताकि सामने वाले को ये विश्वास हो जाए कि ये मेरे लिए कितनी मेहनत कर रहा है। देखिए आपके सामने निकल रहा है। मेरे ख्याल से जो हमारे दर्शक ने प्रश्न किया है और उसको ये जवाब भी मिला होगा कि फूल तो आ गए और ये फूल गुरुदेव यहाँ अपने को एक छेक नजर आ रहा है। इस नारियल को काट कर दो टुकड़े किए जाते हैं, इसे इसे आरी से काट लिया जाता है। आप ये देख रहे हैं इसमें पिन लगी हुई है, पिन लगी हुई है। इसे यहाँ पर लगाया जाता है और ऐसे लगाया जाता है, अंदर से लगाया जाता है। इसमें आलपिन को चारों तरफ से लगा दिया जाता है इस तरह से, ताकि जब दूसरे जो इसका सिरा है, इसका जो हिस्सा है, उसे जब बंद किया जाए तो ये नारियल जो है इस पे जाके बराबर बैठ सके इस तरह से, और ये दब जाता है। बिल्कुल, इस नारियल को किसी चीज से बांध दिया जाता है, आरी से काटने के बाद इसमें फूल भर के अंदर चारों तरफ आलपिन लगाया जाता है और उसे बंद कर दिया जाता है। आलपिन को यूं या किसी चिपका दिया जाता है, फिर उसे नारियलों के बीच में रख दिया जाता है या फिर उसे किसी दुकानदार के पास जमा कर दिया जाता है जो उस पाखंडी तांत्रिक से मिला हुआ होता है। इशारे पर वही नारियल उसे देगा जिसके ऊपर से उसका उतारना होता है। तो जहां तक मैं समझता हूं गुरु, हमारे उस दर्शक को जो कि चेन्नई से थे, उनको ये जवाब भी मिल गया कि किस तरीके से नारियल के अंदर खुशबू और फूल आ रहे हैं। गुरुजी ने हमको वो प्रक्रिया करके दिखाई। प्रक्रिया कई तरीके होती है जिसमें से एक प्रक्रिया हमको गुरुजी ने करके दिखाई। गुरुजी